गुरुकुल में आना आपके जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का साबित हो सकता है। आप आगे जाके कहोगे कि मैं गुरुकुल में गया था, देखो मेरी जिंदगी बदल गई है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर 50-60 दिन रहकर गुरुकुल में आप क्या अगले 60 साल सुधर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात और हो नहीं सकती है। भाई जी, मैं एलोपैथिक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी और आयुर्वेद में क्या सहयोग करूँ। व्रत यही है कि आप डॉक्टर बनिए और आगे जाकर सभी को आयुर्वेद ब्रह्मचारी के बारे में बताएं, अपने देश की संस्कृति के बारे में बताएं, है ना। बताएं कि सुबह जल्दी उठा करो, आयुर्वेद का प्रचार करें, ब्रह्मचार्य का प्रचार करें, क्योंकि आजकल कुछ साधु की बात पर विश्वास करें ना करें, पर डॉक्टर की बात पर ज़रूर विश्वास करता है कि डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि आजकल सभी डॉक्टर ब्रह्मचार्य को बुरा कह रहे हैं। जब भी कितना परसेंट फायदा हुआ, देखिए बताते जी, आप शायद वही पूछ रहे हो, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब 100% फायदा हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है नेट फल वगैरह की। भाई सबको बताओ, चाइनीज वस्तु का उपयोग ना करें, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें, देश के हमारे ऊपर जो उपकार हैं उससे। हाँ बड़ाता जी, तो ये आजकल अभियान चला हुआ है चाइनीज़। देखिए हम तो गांव के लोग हैं, हम तो यहीं पे अपना देसी खाना अपना, तो हम तो कुछ भी खरीदते नहीं हैं ज़्यादा। तो जो भाई लोग रहते हैं ज़्यादा बड़े बड़े शहर में, उनको ये बात उनके लिए ज़्यादा काम की है कि आप जब भी सामान खरीदो तो चाइना का मत खोलो। और टिकटॉक जो भाई लोग चलाते हैं, देखिए ये एक अल्फ़ा मेल का काम नहीं है, ये अगर आप अपने अल्फ़ा मेल मानते हो तो ये सब काम मत कीजिए। टिकटॉक ये फालतू तो लोगों के काम है, आप एक ब्रह्मचारी हो, एक मर्द हो, और मर्द ऐसे काम नहीं करते हैं। आप 80 पुस्तकें पढ़िए, एक मर्द ऐसे काम नहीं करेगा। तो आप टिकटॉक वगैरह को डिलीट कर दीजिए। और मुझे तो बड़े अजीब लगते हैं जो टिकटॉक पे आकर गंद मचाते हैं, फालतू के इंसान है ये, बोझ है इस धरती पे। किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, पर सच यही है कि एक अल्फ़ा मेल ऐसे काम नहीं करता है। अल्फ़ा मेल यानी कि आप खुद सोचो, हमारे जो क्रांतिकारी थे, तो लगता है कि ऐसे वो मान लो उनके एक और चेहरा आगे लेकर देखा करो कि वो ऐसे टिकटॉक पे वीडियो बनाए, कितना अजीब लगेंगे, है ना। यानी कि अल्फा मेल ऐसे काम नहीं करते हैं दोस्तों जी। हरियाणा से हूँ और आपसे कभी भी हस्तमत नहीं करूँगा। अच्छी बात है बताता जी, आपने संकल्प लिया है, पर बड़ा मुश्किल है जी। देखो ये सच है, मैं आपको झूठा ऐसा नहीं कहूँगा कि कर लोगे, अच्छी बात अगर संकल्प है, बट उसके साथ साथ अपने आपको याद दिलाओ कि हाँ मुश्किल है। इसीलिए अगर आपको याद रहेगा कि ये चीज़ मुश्किल है, तो आपको फिर अनुशासन में रहने की मोटिवेशन भी मिलेगी। एक दोस्तों पीछे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, चलो ये भी हमारे प्राकृतिक का हिस्सा हैं। और भाई हुई विनोद कश्यप सर, आप बहुत अच्छे हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, थैंक्स सर। जय श्री राम, जय श्री राम। रहता जी, आप सभी लोग जुड़े रहें बस ऐसे ही हमारे फैमिली के साथ, और हमारी वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम ब्रह्मचर्य का प्रचार करें, एक ऋषि की देश में पैदा हुए हैं हम। और दोस्तों भाई, आप कुंडलिनी एनर्जी में मानते हो? देखिए बराता जी, कुंडलिनी शक्ति चक्रा ये एक सांकेतिक है ना, ये कुछ ना कुछ संकेत कर रहे हैं, तो इसकी गहराई को समझो दोस्तों आप, कि ये जो 8 योग है ये कहना क्या चाह रहा है ना। कुंडलिनी शक्ति मतलब किसी एनर्जी की तरफ संकेत है ये, तब इस गहराई को समझो। सरफेस मीनिंग मत पर जो आप डीप मीनिंग पर जाओ। और जो लोग मास्टरबेशन का लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों को ही नाइटफॉल होना शुरू होता है। ऐसा नहीं बताता जी कि जो लिमिट पार कर चुके हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, क्योंकि ये एनर्जी है वो आपने अगर शायद रूल ऑफ थर्ड आई में एक रूल है साइंस का, एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड ना इधर भी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना।
तो एनर्जी को हमको ओ शक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो नाइटफॉल की दिक्कत होती रहेगी। इसके लिए आपको अभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, आप